मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर रितेश यादव ने प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती करने को कहा, परिजन ले गए मेडिकल कॉलेज, इंजेक्शन से मौत के डॉक्टर आरोप। जिले के मेडिकल कॉलेज में एक शख्स की मौत का मामला सामने आया है। परिजनों ने आरोप लगाया है कि इंजेक्शन लगाने के कारण युवक की मौत हुई है। परिजनों ने कलेक्टर को आवेदन सौंपकर डॉक्टर पर कार्रवाई की मांग की है। जानकारी के अनुसार तरुण शिवहरे ने बताया कि मेरे पिता मुकेश शिवहरे की 27 अगस्त 2024 को तबीयत खराब हुई थी। इसके बाद डॉक्टर रितेश यादव को प्राइवेट क्लिनिक पर दिखाया गया था। डॉक्टर रितेश यादव ने प्राइवेट अस्पताल में ले जाने की सलाह दी। इसके बाद हम लोग पिता को मेडिकल कॉलेज लेकर गए, जहां पर जूनियर डॉक्टरों ने उनका इलाज किया। सीनियर डॉक्टर नहीं आए। इसके बाद उन्हें इंजेक्शन लगाने की बात कही गई। इंजेक्शन लगाने के बाद पिता की मौत हो गई। आज परिजनों ने कलेक्टर को आवेदन सौंपकर डॉक्टर पर कार्रवाई करने की मांग की है। जी जी, मेरी घरवाली 60 वर्ष, क्या नाम है आपने? मेरा नाम हरिशंकर सिवरे। अपनी पत्नी का? हाँ, 1.5 साल पहले खत्म हो गई। पत्नी का नाम क्या? विद्या सिवरे। क्या हुआ था? उनको छातियों दर्द हुआ था, तो मैं पहले चिराग हॉस्पिटल में लाया। 2 घंटे उसने लगा लिए, जहाँ चाहे पास जाने पर बोला भाई इसे मेडिकल में ले जा। मैं मेडिकल में लेके गया, उन्होंने कोई ऐसा इंजेक्शन लगाया, 5 मिनट में खत्म हो गई। कितनी उम्र थी उनकी? 60 वर्ष। 60 वर्ष की उम्र। गजेंद्र शिवरे है, मैं पौरी रोड पर मेरा निवास है। अभी अप्रैल 28 अप्रैल की बात है, पूर्व की। मेरी भाभी को भी 47 ईयर्स थी उनकी, 47 साल। हम लोग मेडिकल कॉलेज रात को 9 बजे लेके गए, मैं नहीं था उस समय, हालांकि मैं 10 बजे पहुंच गया था। तो वहाँ सबसे बड़ी परेशानी ये है, और यहाँ ऐसा कोई मीडिया वाला नहीं है और हम लोग नहीं कि जो ना जानते हों इस बात से कि बिल्डिंग बहुत बड़ी है, लेकिन सुविधाओं के नाम पर क्या है। वहाँ जितने भी जो डॉक्टर हैं वो केवल मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट हैं, उनको भेजा जा रहा है, उनसे ट्रीटमेंट करवाया जा रहा है। हम लोगों ने, मैंने चूँकि मेरे पिताजी को मैं हर महीने 2 महीने में ग्वालियर ले जाता हूँ, तो मैंने ये कहा भी वहाँ रात को कि मैं भाभी को ग्वालियर ले जाऊँ, तो डॉक्टर ट्रीटमेंट दे रहे, बोले नहीं नहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप बोले रुको, हमने ट्रीटमेंट दे दिया और 2-4 घंटे में इनको आराम हो जाए। इसके बाद फिर अपन आकर ऐसे करते करते सुबह हो गई, सुबह भी उनकी स्थिति दोबारा बिगड़ी, उनको दोबारा अटैक आया। चेक भी नहीं किया मैंने, दोबारा अटैक आया। जब भी हमने ये बात की, रात को मैं वहीं था, वहीं रुका था, मैंने उनसे कहा भी, मैंने कहा साहब इनको दोबारा अटैक आया है, बोले नहीं अब आराम पड़ जाएगा, हमने दवाई दे दी है। और साहब 6:30 बजे आखिर हमको ऐसा लगा, तो हम वहाँ से एम्बुलेंस लेके निकले, और ज़्यादा से ज़्यादा बालाजी धाम पहले है कि बाद में, शायद थोड़ा सा 1 किलोमीटर पहुँच के और बालाजी धाम पे जाके भाभी जी शांत हो गए। ममता शिवरे। और भाई साहब ये बात केवल यही तक की नहीं है, हम सब लोग, शहर हमारा बहुत छोटा है और हम सब लोग इस चीज़ से पीड़ित हैं कि जो हार्ट की समस्या है, कार्डियोलॉजी का कोई डॉक्टर शिवपुरी में नहीं है। मशीनें और पलंग लगाने से, सुंदर बिल्डिंग बनाने से कुछ नहीं होता। आप लोग अब चाहते क्या? हम चाहते हैं साहब, हमारा तो चला गया, पर और कोई भाई को साथ ऐसी घटना ना घटे, तो डॉक्टर हो, नहीं कार्रवाई, बिल्कुल जो गलती की है वो कार्रवाई होनी चाहिए और बाकी आगे का सुधार हो। साहब ये बात हमारे ऊपर महाराष्ट्र साहब तक पहुँचे और ऊपर मुख्यमंत्री तक पहुँचे, और साहब यहाँ डॉक्टरों की व्यवस्था की जाए, मेडिकल की सुविधा की व्यवस्था की जाए, कार्डियोलॉजी इतना बड़ा हॉस्पिटल बनाया है तो व्यवस्थाएं की जाए जिससे हम लोगों की जान बचे, हमारे शहर के लोगों की जान बचे। भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम तरुण शिवरी है। क्या हुआ? मेरे पापा को क्या है, माइनर अटैक, मेरे को मालूम नहीं था, मैं रितेश यादव के यहाँ ले गया, उनने ECG करवा के कहा कि इनको माइनर अटैक पड़ा है, इनको नवजीवन में भर्ती करवा दो। नवजीवन के बाद हम मेडिकल कॉलेज ले गए इनको। नवजीवन में भैया ने कहा कि नवजीवन में सही डॉक्टर नहीं है, कोई हार्ट का कोई डॉक्टर नहीं है, आप मेडिकल कॉलेज जाओ, मेडिकल कॉलेज में अच्छा बड़ा है और अच्छे डॉक्टर है। तो अच्छे डॉक्टर वहाँ पे हम गए, तो उनने ECG रिपोर्ट दोबारा निकाली, ECG रिपोर्ट निकाली, तो पापा को हमने लिटा दिए बेड पे। बेड पे लिटाने के बाद पापा अच्छे सबसे मिल गए, हंस रहे थे, आराम से बैठे थे, वो कोई परेशानी नहीं थी उनको। फिर डॉक्टर ने कहा कि इनको इनके ब्लड गाढ़ा हो रहा है, तो इनको, हमने कहा कि हम ग्वालियर ले जाएंगे इनको, तो इसकी मैं 100% गारंटी नहीं ले सकता, आप इंजेक्शन लगवा लो, आप मेरे को 5 मिनट में बता दो। तो हमने कह दी हाँ आप लगा दो, हमने साइन कर दिए, सब कुछ कर दिए, ऊपर एडमिट कर, पापा को ले गए, एडमिट कर दिया। उनके 2 इंटर्नशिप वाले स्टूडेंट थे और एक कंपाउंडर था, जो मशीन रहती है हार्ट बीट वगैरह बताती है उसको, वो कंपाउंडर होता है, उसने बताया कि यहाँ यहाँ पे लगाओ, जो इंटर्नशिप वाले वो स्टूडेंट थे उनको, उनने लगाई, एक नर्स ने देखा थोड़ा बहुत, और फिर
वही स्टूडेंटों ने कंपाउंडरों ने इंजेक्शन लगाया उनको, इंजेक्शन जैसे ही पूरा मतलब जिन जिन जो पहले से भर्ती था, जो 10 बेडों पे पहले से लगे थे इंजेक्शन, वो आधे भी ख़त्म नहीं हुए थे। और मेरे पापा का मैंने भर्ती करा उनसे बाद, सबसे बाद उनका हाल ख़त्म हो गया। और जैसे ही ख़त्म हुआ वैसे ही मेरे पापा को बहुत तेज़ ठंड लगी, मतलब कपकपी छूटी, तो मैंने डॉक्टर को बुलाया जल्दी से, और कपकपी उन्होंने कोल्ड का इंजेक्शन लगाया, उनको ठंड लग रही थी तो उन्होंने कोल्ड का इंजेक्शन लगाया। जैसे ही वो थोड़े से उठे और उन्होंने थोड़ी अपनी बती थोड़ी टाइट सी करी और ऐसे उठ गए और ऐसे ख़त्म हो गए। क्या मानते हैं आप जो कॉलेज की लापरवाही मानते हैं? हाँ बिल्कुल, जो इंटर्नशिप वाले स्टूडेंट थे उन्होंने मेरे पापा को मारा है, और जो डॉक्टर सीनियर डॉक्टर जिसकी ड्यूटी थी ड्यूटी पे वो आ रहा है मेरे पापा ख़त्म होने के बाद। कौन से डॉक्टर थे ड्यूटी? नाम डॉक्टर का नाम तो मालूम नहीं है, और दो डॉक्टर थे जिसने नीचे ECG करी थी, वो डॉक्टर जूनियर था, और जो मेन डॉक्टर था उसको जूनियर डॉक्टर व्हाट्सएप पे भेज रहा। ऐसे तो व्हाट्सएप पे तो इंजेक्शन भी लगा दे। घटना कितने तारीख की थी? घटना 27 तारीख की रात की। थारी उठा के मतलब पूरा अंतिम संस्कार करके पूरा मतलब जो भी तरीके से आज छारी उठा के हम पापा की घर के लेटर के सामने। पापा की उम्र कितनी थी? पापा की 52 ईयर्स थी। इंजेक्शन था बाहर से मंगवाया था बहन पे ही चला जाता।